बेसिकली जो एक फेज है हमारा मिस्टर धनकर जो है आपका पुनः स्वागत है और आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ चर्चा करना चाह रहे थे, तो आप बताइए कि आप क्या चर्चा करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपकी सलाह है। जी अभी जो हमारा पूरा सेक्शन है उसको हम तीन इनिशियल वे में हम तीन सेक्शंस में डिवाइड करें। सबसे जो पहला सेक्शन है उसके अंदर हमारा कमर्शियल पार्ट होगा और जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर हमारा कंप्लेंट पार्ट होगा और जो थर्ड वाला सेक्शन है उसके अंदर हमारी जुडिशियरी आती है, मतलब जो कंप्लेंट है उसका एक तरह से निस्तारण आ जाता है उसमें। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी, वैसे तो अगर पॉसिबल हो तो हम तीनों चीजें इकट्ठी करें, लेकिन अगर हमें चांसेस वन बाय वन करने का मिल रहा है तो हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो कमर्शियल मॉडल की होगी, क्योंकि जो शुरुआत होती है वो पेट पूजा से होती है। और उसके लिए जो पहली पहली जो एप्लीकेशन रहेगी, जो मेरी सजेशन है, तो अब उस पर हम काम कर लेते हैं कि एक एप्लीकेशन हम तैयार करते हैं जो वेब एप्लीकेशन रहेगी जिसके अंदर आपका फार्मर, आपका शॉपकीपर, मतलब एक छोटे विलेज की मैं बात करता हूँ कि गांव में एक शॉप होती है, शॉप के अलावा वहां पे एक किसान होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा वहां पे छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करते हुए एक विलेज की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम एक एप्लीकेशन की फॉर्म में लाएं और सबसे पहले जो हमारा एक्शन हो कि जो हमारी बैकएंड टीम है, जो भी हमारे ऑफिस में है, वो उसके साथ इंटरेक्टिव हो और एक मिनिमम एक जो सबसे छोटा मॉडल है वो तैयार हो। जब वो टीम उस पे काम कर रही होगी साथ में, तभी हमारा दूसरा सेक्शन जो हमारा कंप्लेंट सेक्शन है जिसमें हमारी FIR आती है, दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सेक्शन आ जाए कि उसको कैसे कैप्चर करना है। और ये सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी एक ही पार्ट में, मतलब जो हमारा जो हायरार्की सिस्टम है उसमें जो हमारा ऑपरेशंस का एक जो भी हमने टीम बनाई होगी उस ऑपरेशन टीम में वो सारा इस पे निर्णय लेने की सारी क्षमता होगी, वहीं से सारी चीजें फाइनल होगी। तो हमने जो हायरार्की अभी बनाया है वो हायरार्की सिस्टम क्या है वो थोड़ा सा आप बताएं। देखिए हायरार्की में आप एक चीज समझ लीजिए कि हर जगह अपन ने ये बात कही है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम अवेयरनेस नहीं बांटेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजी के माध्यम से उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट? और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिना बॉदरेशन के हम अपना पार्टनर बना के धन की वर्षा करेंगे, राइट? ये बड़ा ब्रॉड सा स्टेटमेंट मैंने दिया है। अब इसको हम कैसे करेंगे पहले तो वो बताएं, राइट? और इसके लिए आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं भोपाल में बैठा हुआ हूँ और किसान गाँव में बैठे हुए हैं, राइट? हम और आप जो है ना वहां नहीं पहुंच सकते, राइट? तो हमें एक हायरार्की बनाना है जो कि जिनको हमने ओपिनियन लीडर कहा है, आप CFB बिजनेस डेवलपमेंट वर्कर्स कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, नॉमेनक्लेचर वी कैन डिस्कस एंड वी कैन एग्री अपॉन, राइट? आई फील दे कैन बी CFB बिजनेस डेवलपमेंट लीडर्स ऑफ द स्टेट लेवल, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑफ द ब्लॉक लेवल, एंड उनके नीचे बिजनेस डेवलपमेंट वॉलंटियर्स, राइट? इट विल बी देयर विल बी समथिंग लाइक LIC एजेंट्स, राइट? उनको जो है वो सब वेयरविदोल और ब्रोशर्स दिए जाएं, जिससे इंक्लूडिंग डेमो फिल्म्स आल्सो, जिससे कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो इफेक्टिवली रिटन में भी थ्रू ऑडियो विजुअल आल्सो इन ए वेरी कन्विंसिंग फॉर्मेट वी शुड बी इन पोजिशन टू डिलीवर इट टू द फार्मर्स, राइट? और फार्मर्स जो को जो है वो सब लाभ बताए जाए कि क्या क्या लाभ उनको होंगे। तो जैसे पहला लाभ उसको ये होने वाला है कि 1 MSP बिना किसी कॉस्ट एप्लीकेशन के लिए मिलेगी। दूसरा फायदा उसको होना है कि अभी जो है वो परेशान होता रहता है कि उसको खाद कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलती है, स्कर्सिटी, चिल्लाना, बदमाश और सब चीजें होती हैं, राइट? और बड़ी एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट में उसको वो लेता है और वो भी विस्तुल्य है, मतलब इट इज क्रिएटिंग कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑन द ग्रेन, इट इज क्रिएटिंग कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑन द सॉइल, एंड इट इज क्रिएटिंग कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इन अंडरग्राउंड वाटर, एंड इट इज इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन ऑल्सो। तो करेला और नीमचड़ा नेगेटिव चीज भी है और महंगी भी है, और यदि मान लो जो है ना बीच में फसल फेल हो गई तो किसानों को जो है आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल
तो हम जो है किसानों को इस पूरे जंजाल से बाहर निकालना चाहते हैं, राइट। और उसके लिए ज्वाइंट वेंचर रहेगा, सीएफपी जो है ना विल बी गेटिंग 20% ऑफ द प्रॉफिट एंड 80% विल गो टू द किसान, राइट। और किसान को जो है यदि वो अपने फील्ड को मैनेजमेंट में सीएफबी का जो है ना वो करता है तो ही विल गेट ए मॉनेटरी स्ट्रीम विच विल बी 10,000 पर मंथ टू मे बी 1 लाख रुपीज पर मंथ। लेकिन ये जो है दिस विल बी गोइंग टू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट नॉट प्रॉफिट अकाउंट। तो इस तरीके से तीन अकाउंट है, एक है रेवेन्यू जो है एसेट पॉइंट अकाउंट जिसमें कि जो जो चीजें जुड़ती जाएंगी उनकी एसेट वैल्यू जुड़ती जाएगी, राइट। सेकंड है कॉस्ट फ्री अकाउंट जिसको आप प्रॉफिट अकाउंट भी कह सकते हैं, तो चाहे वो वर्कर की कॉस्ट हो, चाहे वो पेड़ की कॉस्ट हो, चाहे वो बीज की कॉस्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद की कॉस्ट हो, चाहे वो गायशाला के बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट हो, चाहे वो गायों की कॉस्ट हो, चाहे वो बीकीपिंग सिस्टम की कॉस्ट हो, चाहे वो एक्वाकल्चर की कॉस्ट हो, इन सब कॉस्ट और इंक्लूडिंग उसमें जो ध्वनि यंत्र लगेंगे, जो हवन के यंत्र लगेंगे, जो गायों के मैसाजिंग और उसके वादिंग के यंत्र लगेंगे, फिर उसके लिए जो अलग अलग सेट्स होंगे जिसमें गाय की पूजा की जाएगी, गाय को चारा खिलाने की व्यवस्था होगी, जहां गाय को जो है ना गले लगाने की व्यवस्था होगी, ऐसे सेंटर्स भी उसमें क्रिएट होंगे। तो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कॉस्ट आएगी दैट इज गोइंग टू बी वेरी फिनोमिनल कॉस्ट, और सीएफबी उसको बहुत जल्दी सेटल करने के मूड में नहीं है, इसलिए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट अलग बनाया गया है जिसको हमने 1 MSP+ अकाउंट कहा है, राइट। और इस तरीके से हमने कॉस्ट को प्राइसिंग से सेग्रीगेट कर दिया है, तो जो नॉर्मल मेथड ऑफ द प्राइसिंग है उसको हमने काफी हद तक जो है मैनिपुलेट कर दिया है, राइट। अब आप इमेजिन करिए कि आज आप 1 MSP आपको मिल नहीं पा रहा है, और कई बार जितना आपने खर्च किया उतना भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, और यही कारण है कई बार आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा रहेगी और आप उसको सड़क पे फेंक देते हैं, टमाटर हो, प्याज हो, ये हो, कोई भी चीज हो, राइट। नाउ उसके विपरीत आपकी कॉस्ट जीरो हो गई और आपको 1 MSP ऑन द टॉप मिल रहा है, कितनी ह्यूज प्रॉफिट हो गई है। अभी जो है जो कंज्यूमर है उसको भी 3 MSP 4 MSP पे मिल रहा है, क्योंकि बीच के लोग बहुत पैसा बना रहे हैं उसमें, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो जो है रिटेल वाला हो वो। और ये स्थिति सभी प्रोड्यूसर की है, मतलब प्रोड्यूसर को कुछ मिल नहीं रहा है और मिडिल मैन बहुत बना रहा है। यदि एक शर्ट जो है ना 500 रुपए की बन रही है कॉस्ट, तो उसे शोरूम में 2,500 का बेचा जा रहा है, जो शोरूम वाला है वो 2,000 सिर्फ जो है ना उसकी चमक धमक और एयर कंडीशनिंग शोरूम बनाने के लिए जो है ना वो ले पा रहा है, राइट। तो इस मॉडल में पहले हमें जो ज्वाइंट वेंचर करना होगा, तो ज्वाइंट वेंचर इज ए थिंग जिसके पूरे इसमें जो पहला सॉफ्टवेयर लगेगा वो सॉफ्टवेयर लगेगा कि जो आपका वॉलंटियर जाके उसको कन्विंस करता है, और जैसे ही किसान उससे एग्री करता है तो हमें किसान उसके खेत की आइडेंटिटी और जो डिटेल कैप्चर करना है वो अपने ऐप से उसको वो कैप्चर करेगा, बैकएंड इंजन उसको मर्ज करके एक ज्वाइंट वेंचर का डॉक्यूमेंट बनाएगा, किसान उसको जो है डिजिटल सिग्नेचर करेगा, आधार कार्ड बेस्ड जो है ना जो वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर वो होगा, और यहाँ से जो है ना सीएफबी का रिप्रेजेंटेटिव और मैथिली शरण गुप्त जो है ना वुड पुट द अनदर सिग्नेचर, एंड द ज्वाइंट वेंचर वुड बी क्रिएटेड जस्ट लाइक जैसे आप चिप की कार्रवाई करते हैं, जितना समय चिप लेने में लगता है, सिम लेने में लगता है, उतने समय में जो है ना ज्वाइंट वेंचर क्रिएट। अब अपन ने ये फार्मर्स के ज्वाइंट वेंचर वाली बात कही, तो और इस ज्वाइंट वेंचर के जो है ना इसी टीम को हम ग्रेवेंस हैंडलिंग टीम भी बनाए, क्योंकि इसने जाके 1-to-1 बातचीत की है, तो कोई ग्रेवेंस सुनते हैं तो जो ये डेवलपमेंट ऑफिसर है ये इसका ही काम है कि वो ग्रेवेंस को रिजॉल्व करे और हर चीज रिकॉर्डेड रहेगी, लिहाजा वो कोई बीच में जो है ना कोई मठाधीश नहीं बन पाएगा, एंड देयर विल बी एस्केलेशन मैकेनिज्म टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो एक तो ये तो हो गई फार्मर की बात। अब हमें जो है ना ऐसे ही ज्वाइंट वेंचर चाहिए जिनके पास नर्सरी है,
एसआई ज्वाइंट वेंचर चाहिए जो कि ब्रीडिंग सेंटर चला रहे हैं, एसआई ज्वाइंट वेंचर चाहिए जिनके पास सीड है, एसआई ज्वाइंट वेंचर चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, गाय के सेट बनाएंगे, एसआई हमारा ज्वाइंट वेंचर चाहिए जो उसके ऊपर सोलर पैनल लगाएगा, एसआई ज्वाइंट वेंचर चाहिए जो ध्वनि यंत्र लगाएगा, ऐसे ही जो है ना ज्वाइंट वेंचर चाहिए जो कि उसमें गायों को नहलाने के लिए, ब्रशन करने के लिए, मसाजिंग करने के लिए जो यंत्र लगाएगा उनसे भी चाहिए, ऐसे ही जो है ना ज्वाइंट वेंचर नीचे का जो फ्लोर तैयार करेगा जो बी शुड बी द बेस्ट फॉर द इंटरफेस विद द गाय, हम अपनी मर्जी से उसे पक्का कच्चा ना करें, वी कैन गो फॉर द मटेरियल विच शुड बी गिविंग द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द काउस, और उसकी नाली के साथ उसका गौमूत्र सब इकट्ठा होके जो है ना वहाँ पहुंच जाए, और उसकी डेली क्लीनिंग के लिए भी एक मैकेनाइज सिस्टम रहे जिससे कि हाइजेनिकली एक गाय को जो है दूध देने की मशीन की बजाय हम एक गाय माता का रूप दे पाए, और एक जैसे कि कहा गया है वेदों में और सब जगह कि गर्भवती महिला को एक अच्छा सा पोषण मिलना चाहिए, अच्छा सा एक माहौल मिलना चाहिए तो बच्चा अच्छा पैदा होता है, तो वो माहौल जो है हम गाय को भी देना चाहते हैं जिससे गाय के दूध, गाय के जो है मूत्र, गाय के गोबर में भी हमें वो चीजें मिले। फिर उस सेंटर पे जो है गाय का उससे गोबर से, मूत्र से, क्रॉप के रेसिड्यू से, फॉरेस्ट का रेसिड्यू भी उसमें जाएगा, उसमें माइक्रोब और एक्वा कल्चर का जो रेसिड्यू है उसमें भी वो भी जाएगा। इस प्रकार जो है हम उसको गोबर गैस का प्लांट के तहत जो है ना उसमें मीथेन मीथेन एनर्जी भी निकाल लेंगे, सीएनजी में भी कन्वर्ट कर देंगे, और उसमें उसको बाहर निकलने के बाद कुछ समय तक उसको और डाइजेस्ट करने के लिए वी विल यूज अर्थवर्म आल्सो, एंड उस समय हम उसमें माइक्रोब्स भी डाल देंगे, तो जो माइक्रोब्स हैं वो दे विल कन्वर्ट इनटू ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री देन वुड बी गोइंग टू द सॉइल, तो हम 2 या 3 साल में ही सॉइल को इतना पुनर्जीवित कर देंगे कि जो केमिकल से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हो रहा है उसको 2 या 3 साल में हम उस प्रोडक्शन लेवल को भी सरपास कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी मिट्टी जो है ना वो जीवित हो जाएगी, हमारा अन्न जो है वो अमृत तुल्य हो जाएगा, हमें दूध भी अमृत तुल्य मिलेगा, ऐसा हम इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, और इसमें कॉस्ट जो है ना वो किसान के ऊपर नहीं जा रही है क्योंकि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट हमने अलग किया हुआ है। जी, तो किसान को जो है जो आय होगी वो बहुत आय होगी और उस आय का 20% जो है ना वो सीएफबी खाते में चला जाएगा, राइट, क्लियर। और इसमें जो हरारकी में जो लोग जुड़े होंगे उनको उनके दरवाजे से बाहर चीज निकलते ही पेमेंट मिलेगा, और हमने जो है ना एक कोशिश की है कि जो हमारा सीएफबी वॉलेट है उस वॉलेट में, वॉलेट पॉइंट में जितने समय तक चीजें रहे वो बेटर है, तो वॉलेट के बैकएंड पे जो है हमारी सीड मनी पड़ी हुई है और वो सीड मनी बहुत बड़ी सीड मनी है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि सीड मनी वो कहां से आएगी, राइट, और आप उससे सहमत हुए थे कि वो सीड मनी वुड बी मच मोर देन अवर रिक्वायरमेंट। हाँ सर, अभी हमने क्या इसका कोई वेबसाइट बनाया है क्या? अभी हमारी जो वेबसाइट है वो बेसिकली 20 तारीख को एक डेमोंस्ट्रेशन होने वाला है, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट बहुत समय बन चुकी है लेकिन अभी उस पर एक फाइनल पे जो है हम जो वर्क कर रहे हैं उसका डेमो 20th को मुझे दिया जाएगा, और यदि और हम उसमें जो ऑब्जर्वेशन देंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि 30 तारीख तक हम उसे लॉन्च करने की स्थिति में हमें होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी है? कंटेंट कुछ चाहिए मुझे उसका जो कंटेंट, जब हम रिव्यू करेंगे तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट रिव्यू टीम। ओके, आई मीन बेसिकली वो कंटेंट तो जो है ना बच्चों ने क्रिएट किया है, अब अपन उसको आगे देखेंगे क्योंकि जो मेरे पास राइट मैंने कुछ प्लान किया था इसके लिए जो पूरे हायरार्की सिस्टम, ये तो क्राइम फ्री भारत की वेबसाइट है अभी जो है, अभी जो है जो प्रोसेस रहेगा जस्ट ए मिनट, जो सीएफबी एग्रो मॉडल की कोई वेबसाइट नहीं बनी है, तो जो आपने प्लान किया है अलग प्रेजेंटेशन ऑन दैट सर, अलग से नहीं बनानी है। नहीं, मेरा सजेशन है हम अलग कुछ भी ना करें, एक हमारा जो एक वेबसाइट रहेगा उसी से लिंक सब कुछ होगा। नहीं, देखिए 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 देखिए, अल्टीमेटली वेबसाइट में पेजेस होते हैं, राइट,
तो हम अलग वेबसाइट को बनाए और एज ए पेज उनको इंटीग्रेट करते जाएंगे, तो उसमें क्या है कि अलग अलग टीम अलग अलग पोर्शन पे काम कर पाएंगी एंड उस चीज को वो सोच पाएंगी, क्योंकि तो इसलिए इट्स नॉट बैड गुड आइडिया कि हम एक वेबसाइट बनाए, वो एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से इंटीग्रेट करते जाएं, ठीक है ना। और उसके बाहर जो मेन पेज रहेगा उससे आप जिस मॉड्यूल पे जाना चाहते हैं वहां पे आप क्लिक करके इंडिकेट करके पॉइंटर लाके क्लिक करके आप वहां पहुंच पाएंगे। तो दैट इज नॉट ए बिग डील, लेकिन यदि हम एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट शुरू से ही बनाएंगे तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, जबकि हम अलग अलग छोटी सी वेबसाइट बना के विद द इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव दैट वी कैन इंटीग्रेट। वैसे ऐसी 18 वेबसाइट हमने आज से 2 साल पहले VIT के स्टूडेंट्स के साथ बनाई थी, जो हमने अपने टीम को दी हुई, लेकिन हमारी टीम उसमें अच्छा काम कुछ कर नहीं पाई क्योंकि ये बच्चे ज्यादा होशियार नहीं थे, कुछ कर नहीं पाया ज्यादा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जो बैक की एनर्जी है उसको हम फिर से सामने लाएं। जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत 12 हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जारी किए थे जिसमें बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन वो काम भी अभी हमारे हाथ में नहीं आ पाया है बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो उसको जो है इंटीग्रेट करके हम वी कैन रियली डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे क्या लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली भी ये वो काम चालू करें, क्योंकि वो इतना कठिन काम नहीं है, दैट कैन बी डन विद इन 2-3 मंथ, राइट। तो उसके उसका वेट करने की बजाय हम जो सोच रहे हैं, अब हमारी प्रोसेस और थिंकिंग भी रिफाइंड हो गई है, तो हम रिफाइंड तरीके से उसी चीज को लिखने में कितनी देर लगना है, आई थिंक वी कैन क्रिएट विद इन 3 मंथ और सो। इट इज नॉट सच ए बिग डील, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी रॉकेट साइंस, वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी नॉर्मल थिंग्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड वेरी वाइडली। जी क्लियर। अब इसमें जो है जैसे हमें जो ग्राउंड प्लेयर हैं उनकी ज्यादा जरूरत है। ये तो बहुत छोटा सा काम रहेगा कि एक वेबसाइट में बैकएंड जो है जो ज्वाइंट वेंचर का डॉक्यूमेंट रेडी है, राइट, उसके कोर इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम ऐप से उसी समय जो है इंक्लूडिंग उसके जो है ना आधार कार्ड ये वो उसका फोटो वोटो जो भी चीज क्रिएट करना है वो आपका जो बिजनेस डेवलपमेंट एजेंट और वॉलंटियर होगा या ऑफिसर होगा वो उसको कैप्चर कर लेगा, राइट। और दैट जॉइंट वेंचर डॉक्यूमेंट कुड बी क्रिएटेड एट सच ए एज एज वी आर अलॉटिंग ए सिम, राइट। और उसके पूरे बारीक फीचर्स जो हैं वो ब्रोशर के माध्यम से, मुनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के माध्यम से वो उनको समझाए जाए और उनको जो है वो डॉक्यूमेंट भी समझाया जाए और उनको बताया जाए कि साहब इट इज ए लीगल इन्फोर्सिबल डॉक्यूमेंट, राइट। तो कोई जमानी जमा खर्च नहीं है, कोई किसी का उसमें कोई नेगेटिव इंटेंशन मूर बनाने का बदमाशी बनाने वाला कोई फंडा नहीं है, राइट। अब हमें चूंकि जो किसानों के पास जाएगा वो अलग माइंडसेट का व्यक्ति होगा, जो ब्रीडिंग सेंटर पे जाएगा वो अलग माइंडसेट का व्यक्ति होगा, जो एग्रो इंडस्ट्री से बात करेगा वो अलग माइंडसेट का व्यक्ति होगा, राइट। जो ई कॉमर्स और इकोसिस्टम और उनकी बातें करेगा वो अलग टाइप का व्यक्ति होगा, राइट। तो हमें इन सब लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन स्टेक होल्डर्स के लिए हमें एक अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट ऑफिसर चारों तरफ जो है ना फैलाना होंगे अक्रॉस द कंट्री, राइट। और जहां जहां पर जो है इकोसिस्टम बनता जाए वहां पे हम सिस्टम को लॉन्च करते जाए। जहां पे इकोसिस्टम के कुछ फेजेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक पूरा इकोसिस्टम नहीं है आप चीज को लॉन्च नहीं कर पाएंगे, राइट। तो तब तक हम जो है ना तैयारी और टेस्टिंग मोड में रहें और एक पर्टिकुलर डेट पे उसको इनॉग्रेट करते हैं, पर्टिकुलर डेट पे जो है ना उसे पब्लिक को डेडिकेट कर रहे हैं, दैट विल बी द वन स्ट्रेटेजी। सेकेंड स्ट्रेटेजी अब तो ये हो गई है जब हम स्टेक होल्डर को जोड़ रहे हैं, अब स्टेक होल्डर से जो चीजें आउटपुट निकल रहा है उसके हमें एक तो क्वालिटी वेरिफिकेशन करना है, इसका मतलब है हमें वो इक्विपमेंट एंड आईओडीटी डिवाइसेस पैदा करना पड़ेंगे जिससे हमें मैनुअल की बजाय अदरवाइज वी कैन मेजर एवरीथिंग व्हाट एवर वी वांट, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है ना विल बी डन थ्रू द आईओटी डिवाइसेस वेयर जो है हमारी सामने वाले के समझ पे डिपेंडेंसी कम रहे, राइट। तो
वन इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो हमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए पूरा मॉड्यूल क्रिएट करना है, पूरी एक्सपर्टाइज पैदा करना है, और वो जो है जहां जहां पे जो है प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल टीम विल बी देयर फॉर ऑल दैट एरिया, और उतनी सारी क्वालिटी टीम क्रिएट करेंगे तो बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, राइट। अब जो है क्वालिटी सर्टिफिकेशन के बाद नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटी हमें उसकी पैकेजिंग तैयार करना होगी, जिससे कि वो जो चीज है वो खराब ना हो। तो यदि एरिएशन की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, वो सब होगा, राइट। देन उसके ऊपर जो है उसकी एक आइडेंटिटी का स्लिप रहेगा, जिसको QR कोड टैग कहा जाएगा। QR टैग विल जो है ना विल कैप्चर द आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर, इट विल कैप्चर द आइडेंटिटी ऑफ द फार्म, इट विल कैप्चर द क्वालिटी, और यदि उसमें कस्टमर रिव्यूज है तो इट विल कैप्चर द कस्टमर रिव्यू ऑल्सो, एंड इट विल बी अवेलेबल इन ए QR कोड फॉर्म। सो दैट QR कोड वुड बी अवेलेबल ऑन दैट ई प्लेटफॉर्म, जहां पर कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को एक साथ लाया जाएगा। तो हमारी जो इच्छा है कि कंज्यूमर जो है किस प्रोड्यूसर की चीज खरीद रहा है उस तक जो है ना उसको ऑप्शन रहे, नंबर वन। और कुछ लोग जो है क्वालिटी सेंसिटिव है तो उन्हें क्वालिटी की चीज मिले, जो कुछ लोग जो है ना क्वांटिटी सेंसिटिव है उनको क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें चीपेस्ट चीज मिल जाए, नंबर वन। मिनिमम क्वालिटी से नीचे की चीज मिलेगी नहीं, और क्वालिटी का वेरिएशन 2 MSP से 3 MSP के बीच में रहेगा, और 2 MSP और 3 MSP के बीच की कीमत जो है फार्मर डिपेंडिंग अपॉन दिस जो है ना कैन डू, और बैकएंड टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो प्ले ए रोल इन सजेस्टिंग द कॉस्ट, और फार्मर डिपेंडिंग अपॉन के नहीं बिक रहा है तो फिर कॉस्ट कम कर दे, इस तरीके से देर कुड बी एन नंबर ऑफ द मॉडल्स, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर को भी फायदा होगा, और कंज्यूमर के एंड पे भी हम क्वालिटी कंट्रोल देना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि कंज्यूमर मोर और मोर क्वालिटी कंट्रोल टीम को जो है ना कॉल करे, जिससे कि यहाँ दबाव रहे कि यहाँ का क्वालिटी कंट्रोल जो है डिवाइस वाला गड़बड़ी कोई ना कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिसमें जहाँ जो गड़बड़ी करने का मौका मिलता है वो गड़बड़ी करता है। तो हमारी टीम जो है ना कंज्यूमर एंड पे भी रहेंगी, और कंज्यूमर एंड पे चीजें रिटर्न नहीं होंगी, क्योंकि जो है ना रिटर्न करने की कवायद में बहुत पैसा वो होगा। तो यदि क्वालिटी में वेरिएशन पाया गया है तो कंज्यूमर विल बी गिवन वेरी हैवी कंसेशन, और वो दैट हैवी पेनल्टी विल गो ऑन दिस साइड ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल वर्कर, एंड इट विल गो ऑन द फार्मर आल्सो। सो द इंसेंटिव टू डू रॉन्ग जो है दैट शुड नॉट बी देयर, और मुझे लगता है कि वो इसलिए भी नहीं रहेगा कि 1 MSP तो उसको पूरे सभी प्रोड्यूस में मिल रही है, और 2 MSP टू 3 MSP विल बी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, राइट। और वो जो है ना उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही है, तो उसको फायदा तो मिलना नहीं है उसका, वो तो कॉस्ट सेटलमेंट में चला जाएगा। तो चूंकि वो कॉस्ट सेटलमेंट में जा रहा है तो आई प्रज्यूम कि फार्मर को उसमें गड़बड़ी करने के में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा जी, क्योंकि उसके प्रॉफिट अकाउंट में जा नहीं रहा है, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है, और कॉस्ट इतनी हैवी इनकर होने वाली है कि वो हम 10 साल और 20 साल में सेटल करेंगे, क्योंकि आप जो एक्वाकल्चर के लिए पॉन्ड बनाएंगे वो भी बहुत महंगा होगा, जो आप जो है ना उसके लिए सेट बनाएंगे उसके ऊपर वो चीजें करेंगे वो बहुत महंगी होंगी जी। इन ए ईयर वी विल नॉट बी इन पोजीशन टू सेटल दैट कॉस्ट, तो कॉस्ट सेटलिंग में गो फॉर 10 ईयर और 20 ईयर्स, राइट। तो चूंकि जो है वो चीजें उसके प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जा रही है, तो किसान को भी जो है ना उसमें गड़बड़ी करने में कोई रुचि नहीं होना चाहिए, और जब उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी उसके प्रॉफिट अकाउंट से जाएगी तो इट विल पिंच हिम। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी प्लेयर जो है ना मक्कारी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मक्कारी नहीं होना चाहिए जी, जी। तो अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट मॉड्यूल आता है ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल, और वो ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल में हम चाहते हैं कि लोडिंग के लिए ऐसे सिस्टम हो जिससे हाइड्रोलिकली सिस्टम, एक आपने जो है ना उसको रैक को पूरा तैयार कर दिया और हाइड्रोलिकली रेज हुआ, उसने पुश कर दिया ट्रक के अंदर, तो जो लोडिंग और अनलोडिंग में जो बहुत सारी मिसहैंडलिंग होती है और जो डिले होता है हम दोनों को कट कर पाएंगे। जहां जरूरत है हम वहां कोल्ड चेन भी जो है ना अपने ट्रांसपोर्टेशन में लाएं, और हम वहां पे ट्रेन ट्रक को और ट्रेन को
को भी इंटीग्रेट करें। इस बारे में मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह है कि हम एक ही ट्रैक पर हजारों ट्रेनें चला सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी सेगमेंट वी हैव क्रिएटेड। सेगमेंट कम्स फ्रॉम द सिग्नल, तो हम जितने ज्यादा सिग्नल डाल देंगे हम उतनी ट्रेन बीच में डाल सकते हैं, राइट? नंबर वन। नंबर टू, चूंकि अब नई टेक्नोलॉजी में हर कंपार्टमेंट अपने आप में इंजन है, क्योंकि उसमें हर कंपार्टमेंट में नीचे जो है ना इलेक्ट्रिक इंजन लगा रहेगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगी, तो इट कैन बी ड्रिवन इंडिपेंडेंटली। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो है ना हर छोटी जगह पे भी प्लेटफॉर्म्स हो, और आई वुड लाइक के उसमें लोडिंग अनलोडिंग मैनुअल की बजाय ट्रक सीधे से जाके जो है ना उसमें बैठे। ट्रक कैन बी इन मल्टी लेयर्ड ऑल्सो, और ट्रक हाइड्रोलिकली अपने उस पर खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पे, उसे हाइड्रोलिकली रेज किया पर्टिकुलर पे, वो सेकंड लेयर पे भी बैठ गया, तो हम मल्टी लेयर ट्रक की भी लोडिंग कर पाएंगे। बट हम ट्रक की अभी जैसे लोडिंग होती है उस तरीके से ना करके वी विल डिवाइड अवर ओन सिस्टम टू मेक इट हैपन। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बिकम वेरी वेरी मिनिमल। फिर जो है तो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं हमें उनसे भी जो है ना ज्वाइंट वेंचर बनाना है। हमें फिर जो है कोल्ड स्टोरेज चेन और स्टोरेज चेन से भी ज्वाइंट वेंचर बनाना है। फिर हमें जो रिटेलर और होलसेलर है, तो कंज्यूमर को तो दो से ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट? हम जो है ना 50% का मार्जिन जो है, 50% का रिबेट जो है ना, 25% का जो है ना रिटेलर के लिए और 25% या 10% का रिबेट फॉर द होलसेलर के लिए कर देंगे। तो विदाउट गोइंग इट्स लोडिंग, हमने रिटेलर और होलसेलर के लिए भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। तो बिना कोई व्यक्ति जो है ना इस चैन से, नहीं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यदि आपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को सीधा ही जोड़ दिया और बीच के लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो कितने लोग जो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल कर रखे वो तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि तो दुकानें बंद हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो उनको भी एंगेज करने के लिए सीएफबी ने मॉडल सोचा हुआ है, और जैसे जो होलसेलर है उनको 10% का मार्जिन दे देंगे, बची लोगों को जो है ना उसको 30-35% का मार्जिन दे देंगे, दैट विल बी ह्यूज मनी इन इटसेल्फ, राइट? तो उनका इंसेंटिव भी बना रहेगा और उनका जुड़ाव भी बना रहेगा। अब आपने, मेरे ख्याल से मैंने दोनों तीनों एंड पूरे क्रिएट कर दिए हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी लिटमस साइंस नहीं है। हर के ज्वाइंट वेंचर की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उसके आगे जो है ना उसकी आइडेंटिटी और क्या डिटेल कैप्चर करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट ए बिग डील, दैट कैन बी क्रिएटेड इन 15 days, राइट? अब जो हमें जो ग्राउंड लीडर ढूंढना है, तो हम जितने भी ऑलरेडी ओपिनियन लीडर्स हैं, जितने जिनके वो लोग हैं, उनको हम जो है ना उनके अनुभवों को इसमें एज ए प्रोडक्ट और सर्विस इन्वॉल्व करें, और उनको जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए जो हमारे वीडियोज हैं उसी में नीचे लिंक रहेगी, सो यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन बिकम द पार्टनर। वो सीएफबी के मेंबर बन सकते हैं, वो जो है they can become the CFB development officer, they can become development volunteers, and just the domain में उनका specialization है उस domain के वो बन सकते हैं, और उनके लिए अपने एक system दे सकते हैं जिससे कि they can put up their authentication, their documents, right? And then जो है जो एक crowd है इसको सीधे जो ना ground में उतारने के पहले उनका थोड़ा सा skill development किया जाएगा, और ये skill development जो है जो इतने सारे engineering college और इतने सारे college खुल गए जो खाली पड़े हुए हैं, उनसे पार्टनरशिप करके, उनसे ज्वाइंट वेंचर करके शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे, और उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी, की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके जिस सेगमेंट से भी उन्हें कम्युनिकेट करना है, राइट? और इसमें रिसोर्स बेस के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जितने भी प्लेयर्स हैं हर प्लेयर्स को अपन कहेंगे कि आप क्रेडिट लिमिट बनाइए, एंड उन सबकी जो है ना क्यूमुलेटिव क्रेडिट लिमिट विल बिकम द सीएफबी क्रेडिट लिमिट। जितने भी किसान का लोग हैं उनसे कंपल्सरी किसान क्रेडिट कार्ड पे जितना पैसा काम कर एंटाइटलमेंट बनता है दैट विल बी विड्रॉन एंड दैट विल बिकम द सीड मनी ऑफ द सीएफबी, राइट? एंड चूंकि ज्वाइंट वेंचर में 20% की पार्टनरशिप है, यदि जरूरत पड़ती है तो अपन 30-70 की भी कर सकते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मनी। नंबर वन, जैसे जैसे हम इकोसिस्टम, क्योंकि हम इंसेंटिव दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, हम 50% डिस्काउंट का वो दे रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति जो यदि वॉलेट पॉइंट से खरीदेगा उसको 10% का जो है इंसेंटिव दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट? और
वो जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसको चिंता नहीं पालना है, उसका पॉइंट यहाँ कटेगा और बैकएंड से जो ना मनी में पेमेंट, रुपी में पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जो उसकी सेविंग है, दैट सेविंग मस्ट नॉट बी कन्वर्टेड इनटू देयर मनी अकाउंट। हालांकि वो बटन दबा के कर सकता है, इसलिए जो है क्योंकि जैसे ही वो मनी में कन्वर्ट होगा वो स्केर्सिटी बन जाएगी, हम जो करेंसी के ऊपर जो भेजा पा रहे हैं वो नहीं पा पाएंगे, तो उसके लिए हैवी रिडेम्पशन फीस रखने का सोचा है 30%, सो दैट इट विल बी अ डिसइंटेंसिव नॉट टू डू इट। और उसको वॉलेट फॉर्मेट में रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स वगैरह भी रखी गई हैं, तो उनकी मनी जो है SBI से ज्यादा वॉलेट पॉइंट ग्रो करेंगे विद इन द CFP सिस्टम। तो मुझे लगता है कि एज वी विल प्रोसीड हमें शायद पैसे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी टू ए ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि पीपल विल प्रेफर टू ट्रांजेक्ट इन द वॉलेट पॉइंट्स एंड वहां पैसे की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा इकोसिस्टम के बाहर हम जहां ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, राइट? और उनके उनके लिए पर्याप्त सीड मनी होगी तो मनी विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। और क्योंकि इतना जो है हर किसी की प्रॉफिट का 20% आपके पास आ रहा है, राइट? रिडेम्पशन फीस और ट्रांजेक्शन फीस भी आपके पास आ रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज मनी। दैट्स व्हाई आई एम बोस्टिंग कि वी वुड बी क्रिएटिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट जो है ना R&D हब। सर अभी ऐसा करते हैं, इसमें ना सबसे पहले एक जो ब्लॉकचेन सिस्टम है उसका एक रेडी जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं हम उनको लेके चलते हैं, उसको आपसे मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ और उसमें हम लेके चलेंगे कि वो कितना हमें इमीडिएटली जो चीज़ अवेलेबल है वो हमें कितना कैटर कर पा रहे हैं, उसके बाद हम उसमें फर्दर डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर कॉस्ट पे आएंगे कि हमने इस बारे में बात की है एक एक्सपर्ट से who is international expert and अभी हम उसका फॉलो अप इंटरव्यू ले लेंगे। यदि आप देखेंगे तो his name is Karan, उसका जो है वीडियो अवेलेबल है क्राइम फ्री भारत में, व्हाइल आई एम इंटरेक्टिंग विद हिम अबाउट हाउ टू क्रिएट द वॉलेट सिस्टम, राइट? बट वी कैन हैव द एन नंबर ऑफ द प्लेयर्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि यदि ये जो दूसरा व्यक्ति है उसके यदि कॉम्पिटेंसी बेटर है तो वी कैन गो फॉर द बेटर कॉम्पिटेंसी। बिल्कुल, हमें कोई एक फाइनल करके, जब तक हमारे पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ना बेसिक, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करेक्ट, हमें पहले स्टेप पे उसको बना के, जब तक तो है ना हमारा वॉलेट हमारे पास नहीं होगा तब तक हम सिस्टम को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले आपके बंदे का भी प्रेजेंटेशन देख लेंगे, करण ने ऊपर क्या होमवर्क किया उसका भी प्रेजेंटेशन देख लेंगे, एंड देन करण इज आल्सो एक्सपर्ट इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट आल्सो, तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जितनी भी चीजें हमने कही हैं आई एम वेरी श्योर दैट हिज मॉडल वुड बी ऑलरेडी विल बी कैटरिंग दीज थिंग्स। तो वॉलेट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट दीज टू मॉड्यूल्स का हमने काफी कुछ रिलायंस जो ना मिस्टर करण के ऊपर छोड़ा हुआ था, बट वी कैन लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स आल्सो सो दैट वी कैन ऑप्ट फॉर द बेस्ट। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी लोग जुड़ेंगे उसमें से जो बेटर होगा उसको ले लिया जाएगा। Correct. उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी सबसे पहले हमारा है रहेगा, बल्कि हम उसको पार्टनर बनाएंगे, उसका मेंटेनेंस उसकी जिम्मेवारी होगी और फ्यूचर के जितने भी रिफाइनमेंट है वो लाना भी उसकी जिम्मेवारी। हाँ, वो चीज तो रहेगी। और इसमें हमें क्या करना है कि जो भी फाइनल होता है सबसे पहले हमारा वॉलेट, उसके साथ में फिर हमारा जो ब्लॉकचेन सिस्टम पूरा वर्क करेगा, जो सप्लाई चेन और जो जो विलेज ब्लॉकचेन तो जो है ना सब पे रहेगा, वो ब्लॉकचेन तो जो है ना इट विल बी पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन आल्सो, ब्लॉकचेन विल बी पार्ट ऑफ द योर वॉलेट सिस्टम आल्सो, और हमारा ब्लॉकचेन विल बी द पार्ट ऑफ द इवन योर वेबसाइट सिस्टम आल्सो, क्योंकि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हैश टू हैश लॉकिंग एंड हैश टू हैश मैचिंग होती है, तो उसमें गड़बड़ी करने का स्कोप नहीं रहता। जी 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 बिल्कुल, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इवन फॉर द इवन पोर्टल आल्सो, सो दैट व्हाटएवर द डिवाइस व्हाटएवर इज बीइंग कैप्चर्ड वो उसी समय डेट टाइम और लोकेशन के साथ जो है ना इनक्रिप्ट किया जाएगा, हैश वैल्यू से लॉक किया जाएगा। जी जी, उसको उसका मैनिपुलेशन विल नॉट बी पॉसिबिलिटीज, और जो प्रेजेंट नेगेटिव टेक्नोलॉजीज हैं लाइक डीप फेक दे कैन नॉट बी यूज्ड। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव टेक्नोलॉजी विल नॉट अफेक्ट अवर रोबस्टनेस। जी।
तो कमिंग वीक में हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जितने भी सॉल्यूशंस रेडीली अवेलेबल हैं उन सबके डेमो अरेंज करा लेते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। मैं ये चाहूंगा कि करेक्ट, तो हम जो है ना अपने मॉड्यूल्स अपन ने काफी कुछ लिस्ट कर दिए हैं, इस मॉड्यूल के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 अपन लिखें, देन लेट्स लुक फॉर द टेक्निकल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर विद अस सो दैट वी कैन रियली कनेक्ट विद देम। तो ये नेक्स्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी ये सलाह पूरी तरह से मान की जाती है कि इसमें टेक्नोलॉजी का जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनकी अपन सूची बनाएं और उनसे कहें कि वो अपने अपने प्रेजेंटेशन दें सो दैट वी कैन सिलेक्ट की व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर द क्राइम फ्री भारत। जी जी right? तो नेक्स्ट वीक का हम ये प्लान रख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में जितना जल्दी अरेंज हो पाए वो मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और जिस पे उनके पास रेडी अवेलेबल, जो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट जो सबसे, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग रॉकेट साइंस, ये सब चीजें रेडली अवेलेबल है क्योंकि हम कोई बड़ी बात कर ही नहीं रहे हैं, वी आर टॉकिंग जस्ट कॉमन सेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने जिस चीज पे सिमिलर चीज पे काम किया है तो वो हमारे काम आ जाएगा, टाइम बचेगा उसमें। करेक्ट, डन, 200% डन। इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि जो चीजें जिन पे वो काम कर चुके हैं, जो उनके पास रेडी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उसकी उनकी कॉस्टिंग है, उनकी प्रेजेंटेशन है, वो हमारे सिस्टम में कैसे मैच करेगा। दूसरा, इससे हमारा जो सबसे पहले विलेजर सेक्शन है उसको कवर करना है, उसके बाद जो मैंने कंप्लेंट सेक्शन बोला है वो उसके लिए कितना फिट है। तो पैरेलली सारे तीनों चीजें इकट्ठी चलती रहे और जो जो अवेलेबल होता रहा उसको कराया जाए। जो प्रायोरिटी हमारी जो कंप्लेंट की जगह हम ग्रेवेंस रिजोल्यूशन करें, क्योंकि कुछ ग्रेवेंस तो रियल और गैर रियल इमर्ज होते ही रहेंगे, तो ग्रेवेंस शुड बी सेटल टू द बेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेकहोल्डर्स। ग्रेवेंस का हमने भी एक बनाया बहुत पहले ना, एक पीपीटी भी तैयार किया था उसका, लेकिन उस वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेटेड था, वो थोड़ा अलग तरह था, वो ऐसा नहीं था कि हम अपने आप से कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के साथ था कि जैसे एक कियोस्क के जैसा गांव में लगा हुआ है और उसके अंदर किसी की कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे किसी की जरूरत है, वहां पे कोई भी जाएगा जो विलेजर है, जाके एक बटन प्रेस करेगा और वो ऑनलाइन हो जाएगा अपने सेंट्रल कमांड के। से इसकी जरूरत नहीं होगी, हम अपने लोगों में प्रिसाइज ऐप बनाकर और वो उनके जो है ना एंड्रॉइड फोन पे अवेलेबल होगा और हम अपने इकोसिस्टम से ऐसा कोई गांव वाला बचने ही नहीं देंगे जिसके पास मोबाइल फोन नहीं। अभी ये पुरानी चीज, आज का तो सिस्टम चेंज हो गया, अब तो हर आदमी पे स्मार्टफोन है, और इंसान पे नहीं भी है तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है गांव में उसके पास तो होना मैंडेटरी है, तो वो सारी चीजें वहीं से मैनेज कर सकता है। Correct. और एक स्मार्टफोन अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है, उसे आप जो चाहे कर ही सकते हैं अपने आप। तो नेक्स्ट वीक का रख लेते हैं सर, नेक्स्ट वीक में ये चीजें तैयार करा के मैं आप... नेक्स्ट वीक में आपका हम ये देखेंगे और नेक्स्ट व्यू पे हम जो है ना सीएफबी के आयुष मॉडल पे बात करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द एडिशनलिटी न्यू थिंग, राइट? क्योंकि सीएफबी का आयुष मॉडल विल आल्सो बी जो ना चेंजिंग द फेस एंड फेट ऑफ द कंट्री, लोगों को हेल्दी और वेल्दी बनाएगा, वो लोगों की लाइफ स्टाइल को जो है ना वो करेगा, और उसमें धीरे से फिर हम इंफोटेनमेंट को भी जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट उसमें हमारा एक मॉड्यूल रहेगा जो कि आयुष मॉडल के ऊपर रहेगा जी, और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि हम जो है जो आज जैसे हमने नितिन गडकरी से जो बात की है, हम सीएफपी का जो है एक्सीडेंट फ्री मॉडल क्यों लेके ना आए, तो बात हम कह रहे हैं कि ये चीज वो करे, वो टेक्निकल सॉल्यूशन हम ले जाके हम गडकरी के पास जाएं कि वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू यू। जी जी, तो मैं चाहूंगा कि कल मेरा जो है जो एक्सीडेंट फ्री भारत के ऊपर मैंने आज डिस्कोर्स किया है वो कल तक मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएगा, तो उसे आप सुनिए। और अपन ने इसको ऐसा ही करते हैं कि अगले उसमें वीक में आप जितने भी टेक्निकल टीम्स हैं उनका सूची वगैरह बना लीजिए एंड गिव देम द टाइम एंड स्लॉट सो दैट वी कैन रियली टॉक ऑन सो दैट थिंग्स शुड स्टार्ट मूविंग। बातचीत नहीं करना है इसको, जमीन पर उतार, काफी हो चुका, अभी आगे बढ़ना चाहिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है।
अच्छा, और दूसरी बात है जो ये वीडियोज हैं जो अपलोड हो रहे हैं इनके नीचे हम लिंक देना चालू करें, जिससे जो लोग इससे मोटिवेटेड हो रहे हैं दे कैन सबमिट देयर सीवी। हाँ, तो हमारी टीम भी साथ में तैयार होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी राइट। अच्छा, जब तक जो है ना आपका ये अवेलेबल नहीं है तो आपके वॉलंटियर्स मैसेज आके जो है ना इंटरेक्शन करना चालू कर देंगे, तो दैट मच जो है ना हीट विल बी जनरेटेड इन टू द सिस्टम। बिल्कुल सर, बिल्कुल अग्रीड। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, तो इसी के साथ जो है ना इस सेशन को समाप्त करते हैं। जी जी बिल्कुल राइट। तो थैंक यू मिस्टर विकास धनकर फॉर ज्वाइनिंग हैंड्स। एंड बेसिकली हमें इसके साथ साथ एक काम और करना चाहिए कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में यदि आप एक एक रिसोर्स पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें तो हमें उस फील्ड की जो है ना तैयारी करने के लिए, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, ऐसे ही जो है जैसे मान लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करने की एक व्यक्ति जिम्मेवारी ले ले, एक ब्रीडिंग सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेवारी ले ले। बहुत सारी जानकारी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने जो अभी एफपीओ की पॉलिसी जारी की है उसमें एक रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस करके एक अलग से एक चैप्टर बनाया है, तो वी कैन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल फ्रॉम देयर। उस इन्फॉर्मेशन से वी कैन रीच आउट टू देम, हाउ कैन वी कैन मेक यूज ऑफ द रिसोर्स इंस्टीट्यूट व्हिच हैज बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ वी कैन रीच आउट टू द ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि हमें पूरी कंट्री के ट्रांसपोर्टर्स को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड देन वी कैन हैव द डायलॉग विद द रेलवे मिनिस्ट्री आल्सो, वी कैन मीट द रेलवे मिनिस्टर आल्सो, वी कैन सजेस्ट कि अभी जो मोदी जी का बहुत अच्छा पॉलिसी उन्होंने लॉन्च किया है पीएम गतिशील योजना करके, और उन्होंने जो डिपार्टमेंटल जो डिवाइड्स है उसको कहीं पे जो ना उसको दूरी को कम करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी हमारा आपका सबका एक्सपीरियंस है कि हमने काम खत्म किया दूसरे ने जाके गड्ढा खोदना चालू कर दिया। बिल्कुल, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। तो यदि लार्जर मैकेनिज्म में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन हो और ऑलरेडी मालूम है तो सब चीजों का एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत सारी चीजों के लिए वी कैन पुट ए हाउसिंग मैकेनिज्म, राइट। बड़ा पाइप डाल दिया तो उसके अंदर जिसको भी केवल डालना है डाल लो भाई, राइट। यदि हमने एक बहुत बड़ा पाइप का डाल दिया जिसमें जितने छोटे पानी के पाइप डालना है डालना, जो भी डालना है वो डाल लीजिए, तो हमें बार बार नहीं खोदना पड़ेगा, और उसके अंदर देयर विल बी ए डेडिकेटेड मैकेनिज्म फॉर द रिपेयर आल्सो, क्योंकि जो चीज भी डालेंगे उसकी एक लाइफ होगी, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी और रिपेयर स्ट्रेटेजी साथ में ही सोचना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। तो जो प्राइम मिनिस्टर की गतिशील योजना है, गति योजना है, I think it is a very good coordination mechanism, और मुझे ये लग रहा है कि CFB की जो सोच है उससे related ecosystem already create हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ecosystem जो है ना corona create कर दिया है, कुछ ecosystem जो है ना अभी मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं जो honorable prime minister की योजनाएं वो create कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि हम बहुत सुगमता से जो सोच पा रहे हैं cosmos का जो model है उसे हम जमीन पर उतार पाएंगे। जी जी बिल्कुल, है ना। तो चलिए इसी चर्चा के साथ इसको अपन क्लोज करते हैं और बीच में अपन बातचीत करते रहेंगे। एजेंट मैन, वी विल गेट द टेक्नोलॉजी पार्टनर और ही इज रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन विदाउट वेटिंग फॉर ए वीक, वी विल गिव हिम द टाइम। जी बिल्कुल राइट। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।